एक बार की बात है, सीतापुर नाम के एक गांव में बंसी नाम का एक आदमी अपनी पत्नी मधु के साथ रहता था। एक बार उसकी पत्नी पेट से होती है और वह उस दौरान बहुत समोसे खाती है। एक दिन अचानक उनकी पत्नी मधु को रात में पेट में दर्द होता है। अजी सुनते हो, उठो, लगता है समय आ गया, मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो। बंसी जैसे तैसे मधु को उठाकर अपनी गाड़ी में बिठाकर और सीधे अस्पताल पहुंचता है। थोड़ी ही देर में मधु एक सुंदर से लड़के को जन्म देती है। बंसी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाता है। बंसी के पड़ोस में ही उसका दोस्त हरिया रहता था। हरिया का भी कुछ ही महीने का बेटा हुआ था। बंसी ने अपने बेटे का नाम किशोर सोचा, पर मधु ने उसका नाम बदलकर समोसा चंद रख दिया, क्योंकि उसे समोसे बहुत पसंद थे। धीरे धीरे समोसा चंद बड़ा होने लगा और वो भी अपनी माँ की तरह सिर्फ समोसा ही खाता था। तुम दोनों माँ बेटे समोसे के अलावा और कुछ नहीं खाना चाहते क्या? इन समोसों में ऐसा क्या है? सुनिए जी, मुझे कुछ भी कह लीजिए, पर मेरे समोसे को कुछ मत कहिए। सारे जहाँ से अच्छा समोसा हमारा। हाँ माँ, तुमने एकदम ठीक कहा। बंसी दोनों की बात सुनकर सर पकड़ कर बैठ गया। समोसा चंद समोसा खा खा कर बहुत मोटा हो गया था, पर फिर भी उसने समोसा खाना नहीं छोड़ा। एक दिन समोसा चंद हलवाई की दुकान पर गया। भैया 10 समोसे दे दो। वही हलवाई की दुकान पर हरिया का बेटा नंदन खड़ा था। समोसा चंद की आवाज सुनकर वो बोला, अरे 10-10 समोसे में तुम्हारा क्या होगा? समोसा चंद, तुम तो पूरी दुकान खा सकते हो। मेरी मर्जी, मैं कितने भी समोसे खाऊं, यहाँ तक कि मेरे सपने में भी समोसे ही आते हैं। ऐसे ही दिन बीतते गए। समोसा चंद और भी ज्यादा समोसा खाने लगा था। उसी गांव में हर साल सरपंच कार रेस करवाते थे। जीतने वाले को 1,00,000 रुपए इनाम मिलते थे। हरिया का बेटा नंदन हर साल उसमें जीतता था। एक दिन, समोसा चंद तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? नंदन तुम्हारी ही उम्र का है, उसे देखो, हर साल सरपंच द्वारा करवाई गई रेस में जीतता है और अपने माता पिता का नाम रोशन करता है। क्या पिताजी, आप तो हमेशा मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं, मैं तो बड़ा होकर समोसे की दुकान खोलूंगा। समोसा चंद और उसकी पत्नी मधु पर किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ा। एक दिन उन दोनों की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि ये सब इनके बाहर के खाने की वजह से हुआ है। समोसा चंद और मधु के इलाज में उनकी घर गाड़ी सब बिक गया। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। एक दिन, मधु मैं तुमको मना करता था ना, इतने समोसे मत खाओ, अब देख लिया ना, बीमार पड़ गई ना, अब खाते रहना समोसे। अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि घर घर राशन आ सके। मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी ही गलती से हुआ है। आप मुझे इतना मना करते थे पर मैं ना मानी और इसका असर हमारे बेटे पर भी हो गया। समोसा चंद भी ये सारी बातें सुन रहा था। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसके इलाज की वजह से उनकी घर गाड़ी सब बिक गई। तभी समोसा चंद एक फैसला करता है और सरपंच के पास जाता है। सरपंच जी, मुझे कुछ उधार चाहिए। क्यों बेटा, पिताजी के पास पैसों की कमी है क्या? ये सुनकर समोसा चंद ने सारी बात सरपंच को बताई कि बीमारी में उनका सब कुछ बिक गया। ठीक है, दे दूंगा, मगर ब्याज लगेगा, तुम इन पैसों का क्या करोगे? मैं एक पुरानी गाड़ी खरीद कर रेस लगाऊंगा। आप जो हर साल रेस कराते हैं, मैं उसमें भी भाग लूंगा। ये सुनकर सरपंच अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगता है। अरे तूने अपने आप को कभी देखा है? तू सिर्फ समोसा खाते हुए अच्छा लगता है, ये रेस वेस तेरे बस की नहीं है। ठीक है सरपंच जी, ऐसी बात है तो अब मैं सिर्फ रेस में ही नहीं भाग लूंगा, बल्कि रेस जीत के भी दिखाऊंगा। ठीक है, अगर ये बात है तो लगी शर्त, अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारा सारा पैसा माफ कर दूंगा, और अगर तुम हारे तो सबके सामने मेरे पैरों पर गिरकर माफी मांगनी होगी। दोनों में शर्त लग जाती है। उधर नंदन की कार रेस की तैयारी भी जोर शोर से चल रही थी। नंदन शहर से एक बहुत बढ़िया कार भी लेकर आता है और उसी समय समोसा चंद पैसे लेकर अपने घर आ रहा होता है। नंदन उसे देखकर बोलता है, हे
अरे समोसा चंद, आज खाली हाथ कहाँ से आ रहे हो? तुम्हारे समोसे कहाँ गए? समोसा चंद बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है, परंतु नंदन ने दोबारा कहा, अरे क्या बात है समोसा चंद, आज कोई जवाब नहीं दोगे? लगता है दुकान वाले ने आज कोई समोसा नहीं दिया। ओ, मैं तो भूल ही गया कि तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है। अगर कुछ पैसे चाहिए तो मुझसे बात कर लेना, वैसे भी रेस जीत कर मुझे जो पैसे मिलेंगे उनमें से मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा। अब समोसा चंद को नंदन की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोल पड़ता है, इस बार तुम नहीं जीतोगे। मुझे हराने वाला इस गांव में भला है कौन? इस बार मैं भी इस रेस में भाग ले रहा हूँ। ये सुनकर नंदन जोर जोर से हंसने लगा और बोला, क्या तुम भाग लोगे? ये समोसा खाने की प्रतियोगिता नहीं है। तुम्हें समोसा खाने के अलावा और कुछ आता भी है? मैंने तो सोचा कोई बहुत बड़ा कार रेसर होगा। अरे तुम जाओ और समोसा खाओ जाकर। अपने आप को सबसे बड़ा मत समझो नंदन, अब रेस में मिलते हैं। समोसा चंद घर आकर सारी बात अपनी माँ और पिताजी को बताता है। दोनों बहुत खुश होते हैं कि उनका बेटा बदल रहा है और अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है। समोसा चंद पैसे लेकर एक पुरानी कार खरीद लेता है और उसे एक गैरेज में लेकर जाता है और बोलता है, मैकेनिक भैया, आपको इस कार को एक बढ़िया कार में बदलना है ताकि कोई कार इससे जीत ना सके। इसमें समय तो लगेगा पर मैं ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, आपके पास कुछ दिन है। थोड़े दिनों बाद समोसा चंद अपनी कार लेने मैकेनिक के पास आ जाता है और अपनी समोसा कार को देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि मैकेनिक ने उस कार को एक समोसे का आकार दे दिया था। उस कार में तीन पहिए थे और वो देखने में बिल्कुल समोसे की तरह लग रही थी। समोसा चंद समोसे के डिजाइन की कार देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो उस कार को अपने घर ले जाता है। पिताजी बाहर आइए। बंसी बाहर आता है और सामने समोसा कार को देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, तुम्हारा समोसे का बुखार अब तक उतरा नहीं क्या? मुझे तो लगा था कि तुम अब सुधर गए हो, पर ये सब क्या है? पिताजी आप गुस्सा ना करें, मेरी बात तो सुने। इस समोसे की वजह से हम अपना सब कुछ गंवा दिए थे, अब ये समोसा कार ही हमें सब दिलवाएगी। बेटे की बात सुनकर बंसी उसे गले लगा लेता है। तभी मधु बोलती है, देखा मेरा बेटा कितना समझदार है, तुम तो ऐसे ही इस पर गुस्सा करते रहते हो। ये सुनकर तीनों हंसने लगते हैं। कार रेस का दिन आ जाता है। सभी प्रतियोगी अपनी अपनी कार लेकर आ जाते हैं और समोसा चंद भी अपनी समोसा कार को लेकर आ जाता है। वहाँ जितने भी लोग थे सब समोसा कार को ही देख रहे थे। नंदन भी उसकी कार को देख रहा था। अरे इसकी कार कितनी अलग लग रही है, कहीं ये जीत ना जाए। नंदन ये सब सोच रहा था और रेस शुरू हो गई। आज नंदन का ध्यान रेस पर नहीं बल्कि समोसे कार पर ज्यादा था। पहले तो चंदन समोसा चंद से आगे निकल जाता है और आगे जाते हुए वो समोसा चंद को चिढ़ाने लगता है, लेकिन फिर भी समोसा चंद अपनी कार की फुल पावर दिखाता है। और देखते ही देखते समोसा चंद चंदन की कार के करीब आ जाता है और दोनों बराबर आ जाते हैं। तभी चंदन समोसा चंद को हराने के लिए उसकी कार से आगे निकलकर वहां पर कीला गिरा देता है, जिससे समोसा चंद की कार का टायर पंचर हो जाता है। लेकिन ये समोसा चंद की कार थी, इसकी टायर में हवा की जगह आलू भरे हुए थे, जिसके पंचर होने पर भी समोसा चंद की समोसा कार फुल स्पीड में चल रही थी और देखते ही देखते सबसे आगे हो जाता है और समोसा चंद कार रेस जीत जाता है। मैं जीत गया। ये देखकर नंदन बहुत गुस्सा हो जाता है और सरपंच को भी अपनी गलती का एहसास होता है। सरपंच समोसा चंद को 1,00,000 रुपए देता है और कहता है, समोसा चंद ये लो तुम्हारे 1,00,000 रुपए, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें औरों से कम समझा था और वादे के अनुसार तुम्हारे सारे लिए हुए कर्ज को माफ करता हूँ। ये सुनकर नंदन को भी अपनी गलती का एहसास होता है, वो भी समोसा चंद से माफी मांगता है। समोसा चंद दोनों को माफ कर देता है और अपनी समोसा कार के पास जाकर उसके गले लग जाता है।